क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तो सबको प्यार करो, सबको प्रेम करो, सबके ऊपर दया करो, सबके ऊपर करुणा करो, सबके ऊपर तरस खाओ, सबके लिए आंसू बहाओ। अब बीमारी है तो प्रभु का प्रेम आपको चंगा करेगा। और मैंने यीशु के नाम में चंगे दिया। इससे हम भी मैं तैयारी करें आए तक बारी के बारे में वचन रहे। बहुत सुंदर वचन है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु यीशु अपन नबी मान के भेज लाए और नबी मान के पीढ़ी दर पीढ़ी भेजते गए लाए ताले के परमेश्वर के द्वारा भेजल जा रहे और परमेश्वर मान के भेज रहे हैं। तो इसलिए नबी मन आए कि ईश्वर के बारे बताए लगलाए, परमेश्वर के बारे बताए लगलाए। पहला इन वचन सुनी ला ऊपर में इसलिए तैयारी करो, उसके बाद वचन कुछ अलग है। मैं समझा बोदौड़े मन के पहला क्या है कि एक मालिक बस यूं मन के दगबारी कर मालिक बनाए के चल जाएगा देख रेख करे लेकिन और जब वो चल जाए वो मन के सोब के तो दगबारी तो बना बना ही रहे कोई खराब नहीं होएला लेकिन वह मीठा फाल नहीं लगेल, खाटा फाल लगेल, तीता फाल लगेल। कह कर अर्थ है कि वहाँ का विश्वासी मन पाप में जीवन जियत हैं, बुरे जीवन जियत हैं, गुनाह कर जीवन जियत हैं, अपराध कर जीवन जियत हैं। तो वो मंगल सुधार के लेकिन वो मंगल बदलाव के लेकिन वो मंगल परिवर्तन के लेकिन वो नबी भेजेला। तो एक नबी भेजेल उके भी मेहर डालें, उकर बात के भी नहीं सुने, उकर हुकुम के भी नहीं सुने, ईश्वर के बात के बताते तो अनसुना करत हैं और उकर बातन के भी ध्यान नहीं देवें और उके मेहर डालें। तब परमेश्वर फिर से और बहुत सारे नबी मन के भेजल, तो बहुत सारे नबी मन भी आवेन और वो मन भी परमेश्वर के बारे बताएं, परमेश्वर के राज के बारे बताएं, परमेश्वर के बारे शिक्षा देवें, ओहो मंकर बात के नहीं सुनें, ओहो मंकर गोड के नहीं सुनें और वो मन के भी मैट डालें। फिर ईश्वर का कह और बहुत संख्या में बहुत सारा नबी मन के भेजल कोना कोना में और वो मन के भी आदि मन मकर बात नहीं सुने, ईश्वर के बात नहीं सुने, मनमानी धर्म कर्म करें, मनमानी व्यवहार करें, मनमानी जीवन जिए, एक भी परिवर्तन नहीं रहे, एक भी बदलाव नहीं रहे। शेखर वजह से वो मन के भी मैट डाले। तब ईश्वर का कहल अपन एक लौते बेटा यीशु मसीह के भेजल, इकलौते बेटा के भेजन तो उनके तो सोचे कि तो उत्तराधिकारी के अधिकारी व्यक्ति के पूरा स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाए और पृथ्वी कर भी स्वर्ग अधिकारी बन जाए और सारी दुनिया के अधिकारी बन जाए। से कल उके भी नापसंद हुए ना, उका से भी दुखी हुए ना, उका से भी परेशान हुए ना और उकर बात के नहीं सुने और ऊपर मैं डालें। हालेलुया। ये जीवन मोरले घाटों से मुके दुख लगल परेशान होना, जब से ईश्वर मुके चुन लग और भेजलक और बताओ बड़े बड़े बात बताओ क्या अलग, बड़े बड़े बात सिखाओ क्या अलग, बड़े बड़े बात समझाओ क्या अलग। तो बहुत कई सुने के नहीं खोजन, बहुत कई समझे के नहीं खोजन, बहुत कई शिक्षा ले के नहीं खोजन और उमंग के बुरा लगा थे जीवन अट्ठा फाल नहीं देवत हैं, मीठा फाल नहीं देवत हैं।
फिर वो मन के बुरा लगा थे और वो मन मोर बारे में शिकायत और बदनाम और डाक बारी से निकला खोज होता है जे हा हे हारे ले हारे ले बात है कि के बाहर निकला है दो हारे ले समाचार के प्रचार करेगा ना दो हारे ले शिक्षा देवे ना दो हारे ले से बहुत सारे भविष्यवाणी हो सारी बातें जितना भी भविष्यवाणी हुआ थे वो गुजरो थे हारे ले हारे ले आज के योग तैयारी करे के योग है कि हाले ले जैसन तैसन सिस्टम बने रहे लेकिन नहीं हुई है हाले ले अचानक कुछ भी हो सके हाले ले कल के प्रवचन में कहा रहो मैं कि कल मृत्यु के बारे मृत्यु के बाद क्या होता है उस विषय में रहे कल का तो तुम्हें लिखा दे जो सत्कर्मी है वो भी जी उठेंगे और कुकर्मी है वो भी उठेंगे पुनरुत्थान दोनों का होगा लेकिन कौन जाएंगे स्वर्ग वही जाएंगे जो सत्कर्मी हैं सत्य वचन जीते हैं सत्य के राह में चलते हैं ताकि सत्य को जीवन को जीते हैं वही लोग स्वर्ग में जाएंगे हालेलुया और बदबकी नहीं जाएंगे हालेलुया चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हालेलुया बपतिस्मा लिया क्यों ना हालेलुया सर्टिफिकेट पा गया क्यों ना हालेलुया सर्टिफिकेट पाए हैं बुराई करने के लिए नहीं हालेलुया गलत राह में चलने के लिए हालेलुया गलत शिक्षा में चलने के लिए हालेलुया बुरी शिक्षा में चलने के लिए हालेलुया सर्टिफिकेट मिला है आपको सत्य में चलने के लिए हालेलुया सच्चाई के वचन में चलने के लिए हालेलुया ईमानदारी बनने के लिए हालेलुया परिवर्तन जीने के लिए हालेलुया हारिया दारू पी कर फेंका जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है हालेलुया ये बात कोई नहीं समझा रहे परमेश्वर समझाना चाहता है आज इसलिए मुझे दुख लगता है कि आज हमारे क्रिश्चियन किस तरह जी रहे हैं इतनी सारी घटनाएं घट रही है फिर भी हमारे क्रिश्चियन बदलना नहीं चाहता है सुधरना नहीं चाहता है और ये हम ज्यादा बोलते हैं तो हम गलत हो रहे हैं गलत शिक्षा दे रहे हैं हालेलुया हालेलुया थोड़ा दिन में पहले भी कहा यहाँ के पंचों को यहाँ के प्रचारों को हमारे पंच लोग कभी को हमारे साथ देते हैं कोई कोई नहीं देते हैं तो एक जन को भी इसको नहीं छोड़ना चाहता है एक सब एड़े हो और एक भटक जाए तो खोजने जाए या ना जाए बोला है जोर से बोले हालेलुया तो क्यों कहा क्योंकि प्रभु दुखी होता है एक को भी भटकने नहीं देना चाहता है हम लोग सोचते क्रिश्चियन में है हम नहीं भटके हैं हम क्रिश्चियन में है नहीं भटके हैं हम सही राह में चल रहे हैं सही राह वो नहीं है हालेलुया बाइबल उठा के देखिए सही राह क्या है हालेलुया हालेलुया किसी को सर्टिफिकेट मिला है दारू पीने के लिए मिला है हाड़िया पीने के लिए रोम खाने के लिए बीड़ी खाने के लिए तम्बाकू खाने के लिए गुटखा खाने के लिए चोरी करने के लिए झूठ बोलने के लिए व्यभिचार करने के लिए हत्या करने के लिए गलत बोलने के लिए गलत विचार करने के लिए सर्टिफिकेट दिया इसको हम सोचते हैं कि बदस माले लिए बहुत बड़ा काम कर लिए हैं हालेलुया प्रभु एकदम कड़क से मुझे सिखाना चाहता है और सिखाने के लिए कहता है जब मैं इस तरह के बोलता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता हालेलुया आप अच्छी तरह सुनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कितने लोग हाथ उठाइए ताली बजाएंगे पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद उस समय भी अन्न बचता था और भी कोई है यहाँ पर हालेलुया उस समय भी कोई नबी था और अभी भी नबी है हालेलुया कितने लोग मैं अभी खुल के बोल रहा हूँ कितने लोग मुझे नबी मानते हैं बताइए सचमुच मानते हैं हाथ उठाकर स्तुति कीजिए ताली बजाइए क्योंकि नबियों का वचन कभी रद्द नहीं होता है हालेलुया बेकार नहीं जाता है हालेलुया राह दिखाता है हालेलुया मार्गदर्शन करता है हालेलुया
ईश्वर के करीब पहुंचाता है। हालेलुया। और वही तो मैं लोगों को करीब पहुंचाने की कोशिश किया। हालेलुया। पहले के विनती प्रार्थना में ध्यान नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लगता था कि ईश्वर नहीं। हालेलुया। मुझको मुझको लगता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद आज मुझको लगता है कि ईश्वर है और प्रमाण भी कर रहे हैं बहुत सारा। इसलिए बहुत सारे प्रचारों को समझ में नहीं आएगा बचन, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सुबह भी सुने होंगे हमारे प्रचारक का प्रवचन। हालेलुया। और कहीं कहीं पर सुने होंगे। हालेलुया। निकल क्या है दाखबारी का मालिक कौन है? यीशु। और नौकर लोग कौन है? संत लोग और नबी लोग। हालेलुया। जिससे भेजा करता था ईश्वर। हालेलुया। और जैसा तैसा आदमी लोग नहीं। हालेलुया। और उन्हीं को मार डाला लोगों ने। हालेलुया। नशे कर प्रचारों को नहीं मार डालता है कोई। हालेलुया। विस्कृत नहीं करता। हालेलुया। पीता है होने से भी अच्छा प्रचारक है। हालेलुया। हमसे कम समझता है तो है। हालेलुया। गरीबों के सामने बैठता उठता तो है। हालेलुया। जेम तो नहीं बैठता अपने को किस मार का समझता है। हालेलुया। ऐसा फीलिंग्स होता होगा ना। एक इसका 33 से आप लोग वचन सुने होंगे बहुत जगह, लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा अलग करके समझाऊंगा। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर के दृष्टांत मतलब समझते नहीं। हालेलुया। चलिए। किसी भूमिधर ने दाग की बारी लगवाई। हाँ, दाग की बारी लगा दिए। दाग की बारी कौन है? स्वर्ग। हालेलुया। स्वर्ग कहाँ लाना चाहा? पृथ्वी में या स्वर्ग में? जोर से बोले। स्वर्ग में तो है ही है, कहाँ लाना चाहा? स्वर्ग का राज कहाँ आना चाहिए बोला यीशु? तब उसे असमियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। हाँ, परदेश चला गया। हालेलुया। परदेश कौन चला गया? कहाँ पर है ईश्वर? हमारा स्वदेश कहाँ है? ईश्वर का परदेश आप नहीं समझ रहे हैं। परदेश कहाँ है हम लोग का? स्वर्ग है। अभी हम लोग कहाँ है? यहाँ पर है। इसलिए हमारा देश कहाँ है? इसलिए अभी यहाँ कहाँ बैठ के कहाँ पहन के बैठे हैं? यहाँ पर परदेशी के देसी परदेशी है। इसलिए कहाँ जाना है? हम लोग जाना चाहते हैं। अब अकेले जा पाएंगे? नहीं। रास्ता देखे हैं? नहीं। घर मालूम है? नहीं। नहीं है, इसलिए नबी को भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परदेसी हैं। हालेलुया। इसलिए गाना भी गाते हैं ना थोड़ा, परदेश जाके परदेश या भूल जाना ना हमारे पिया। हालेलुया। हम तो ऊपर से आए, प्रभु को छोड़ दिए। हालेलुया। किसको छोड़ दिए? प्रभु को छोड़ दिए, भूल गए। हालेलुया। अभी फिर याद दिला रहे हैं। हालेलुया। हम हालेलुया कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया भी नहीं आता था। हालेलुया। पहला पहला जब हालेलुया करता था ना, लोग कहते थे हालेलुया ला गया है, हम लोग का किचन का बिगड़ रहा है। प्रचार लोग भी बोलते थे कहाँ का हालेलुया निकाल दिया, ये तो बाइबल में नहीं है, बाइबल का शिक्षा नहीं है, बाहर से शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हम लोग कितना बार गाते थे हालेलुया प्रभु की जय, पता नहीं है यह हालेलुया जा रहे बोला जा रहा है। कभी कभी पढ़ते थे तो उस समय लास्ट भाग में लिखते हैं, तीन बार बोलते थे हालेलुया हालेलुया बोलते थे ना। लेकिन जो पढ़ता था वो केवल बोलता था, लास्ट भाग में बोलते थे हालेलुया हालेलुया तीन बार बोलता था। तो हालेलुया तो पहले से ही है। हालेलुया। थोड़ा हाथ उठा के हालेलुया, मुंह खोल के हालेलुया, ठंडा हो रहे हालेलुया। हालेलुया। ठंडा मत होइएगा, आगे बढ़िए। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असमियों के पास अपने नौकर को भेजा। हाँ, फसल का समय आने पर फसल के वसूल करने के लिए उसको तो उन्हें काम कराया था
और अराया था और जिम्मा दिया था। हालेलुया। एक एक फसल का हिस्सा लेगा यीशु अब। हालेलुया। चाहे धर्म बहने क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभित क्यों ना हो। हालेलुया। और क्यों नहीं हम प्रचारक हो। हालेलुया। हिसाब लेगा कि नहीं लेगा। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। तो हिसाब लेगा। तो हिसाब लेने लगा तो बहुत सारे योद्धियों को अच्छा नहीं लगा, महागुरुओं को अच्छा नहीं लगा, महापुरोहितों को, शिक्षकों को अच्छा नहीं लगा, पंडितों को अच्छा नहीं लगा और राजनीतिक वालों को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए बंदीगिरी में डाला और उसे मार डाला और वो है यीशु क्रिस्त। हालेलुया। असूल की बात बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। किसी भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। हालेलुया। हम मरे जाएंगे लेकिन हिसाब लेकर ही छोड़ेगा। हालेलुया। छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें दसबारी में काम करने के चुना है। हालेलुया। चला गए स्वर्ग में। हालेलुया। हिसाब लेगा ही लेगा। हालेलुया। 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 पहले मैं कहा था लूकास के ग्रंथ में मैंने बताया था, फिर मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अध्याय 3:17 में वह हाथ में सूप ले चुका है जिसे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। हालेलुया। हिसाब खोज रहे दाना का। हालेलुया। कि तूने क्या कमाया। हालेलुया। कमाया है तो असूल करो। हालेलुया। जमा करो। हालेलुया। यदि आप नहीं जमा करेंगे हालेलुया तो ठीक नहीं होगा। हालेलुया। तो कमाया नहीं है तो क्या जमा करेंगे। इसलिए खेत का उदाहरण दिया है। और कमाया भी है तो अपना मालिक बना रखे हैं, अपने को खुद के मालिक बनाए हैं। हालेलुया। मालिक कौन और है। हालेलुया। मैं कहूँगा कि मैं मालिक हूँ। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूँ। हालेलुया। ये कहना मेरे लिए बुरा है। हालेलुया। गलत है। हालेलुया। कह सकता हूँ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हूँ मैं। हालेलुया। उसने बनाया है। हालेलुया। किसने बनाया। ईश्वर ने बनाया। ये कहना कर सकता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक नहीं कह सकता, अधिकारी उन्होंने बनाया कर सकता। हालेलुया। कर सकता हूँ या नहीं। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। हालेलुया। यहाँ मत्ती में क्या लिखता है कि दाना का वसूल लेने लगा। आगे पढ़िए। किंतु असमियों ने उसके नौकर को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पाथरों से मार डाला। हाँ, बहुत सारा नबियों को मारा पीटा और बहुतों को क्या कर दिया, मार के भगा दिया और बहुतों को तो मर डाला। हालेलुया। यहूदी लोग मर डाले। हालेलुया। जो धर्म गुरु लोग मर डाले। हालेलुया। बातें नहीं समझे। हालेलुया। जिसको ईश्वर ने भेजा था। हालेलुया। क्या करने के लिए, दाना दाना वसूल करने के लिए। हालेलुया। अधिकार देकर भेजा था। हालेलुया। वैसे ही बहुत सारे नबियों को मारा गया उस समय भी, बहुत सारे नबियों को पत्थर से मारा दिया गया। उसके बाद ईश्वर ने अपने बेटा यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। उसको भी क्या समझे, ये तो अधिकारी व्यक्ति हैं, उत्तराधिकारी व्यक्ति हैं, ये तो ईश्वर का संतान है, ये तो सबको ले लेगा। हालेलुया। इसलिए मार डालेंगे। हालेलुया। यीशु को मार डाला, स्वर्ग प्राप्त हो गया। जिसने मारा इस तरह सोचकर स्वर्ग प्राप्त हो गया।
स्वर्ग के अधिकारी बन गया? नहीं बना। और आज भी जो नबियां जो भेजे जा रहे हैं, और अगर आप लोग नहीं सुनते हैं और जलस होंगे तो आपका भी, मैं कहूंगा आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केवल आप बहकाएंगे लोगों को, भटकाएंगे केवल लोगों को। हालेलुया, कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लूकस का समाचार लेके अध्याय 3:8 को लेकर आ रहा हूं। इस वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आप पेड़ लगाएंगे और आपका पेड़ में पोका फल देगा, कौन पेड़ को पसंद करेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप लोग पेड़ लगाएंगे और आपका पेड़ में पोका फल लगेगा, कौन पसंद करेगा? कोई है यहाँ पर? आप अपना पेड़ में क्या खोजेंगे? क्यों लगाएं आप? अच्छा फल दे बनके, और सड़ा हुआ फल भी नहीं खाएंगे। आप अच्छे फल खोजेंगे। वैसे ही प्रभु यीशु हमसे अच्छा फल खोज रहा है। ऐसा फल किससे खोज रहा है? पोका फल लेके चढ़ा देंगे? मैं दूंगा? नहीं, निकाल के फेंक दूंगा ना। वैसे ही हम पोका होकर पोका रहेंगे। पोका के लिए हमें नहीं रोपा गया है, हम अच्छा फल लेने के लिए रोपा गए हैं हम लोग। और कहाँ रोपा गया है? ईश्वर का डाक बारी में हम रोपे गए हैं, यीशु के डाक बारी में हम रोपे गए हैं प्रत्येक जन। और प्रत्येक जन को प्रभु चाहता है कि आप अच्छा फल लाए। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि आप अच्छे फल लाए। हालेलुया। अच्छा फल लाए। हालेलुया। अपने परिजनों को भी दे। हालेलुया। अपने बच्चों को भी दे। हालेलुया। जो भी आए उनको दे। हालेलुया। अच्छा फल दे। हालेलुया। जैसा तैसा फल मत दे। हालेलुया। आप में तो फल लगता नहीं है तो क्या देंगे? कीड़ा लगा हुआ तो फल देंगे? नहीं देंगे। आप में कुछ नहीं लग रहा है तो? इसलिए कभी यीशु चाहता है, ईश्वर चाहता है, परमपिता चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अच्छा फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर तो हमें अच्छा पेड़ है था, हम लोग अच्छा पेड़ के रूप में अपने दागबारी में लगा दिया था, लेकिन यहाँ पोका लग रहा है, यहाँ पुलवा लग रहा है, यहाँ गोसवा रहे हैं फल। हम कैसे फल अच्छा दे सकते हैं? दे सकते हैं जब हम पछतावा करेंगे। जब हम पछतावा करेंगे, पछतावा का अर्थ है अपने को बदलना, चेंज करना, परिवर्तन करना, अपने को बदलना। आप क्रिश्चियन हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप चढ़े हुए आप क्रिश्चियन बने रहे, यानी कहने का नशेखोर क्रिश्चियन नहीं चाह रहा है, नशेखोर क्रिश्चियन नहीं चाह रहा है, नशा करने वाला क्रिश्चियन नहीं चाह रहा है, ईश्वर नहीं चाह रहा है। और मैं बताना चाहूंगा अभी नशा के बारे में, क्योंकि ये मुझे आज का मैसेज दिया गया है। हालेलुया। 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 और जो नशा करता है वो अच्छा फल नहीं देगा। हालेलुया। अच्छा फल नहीं देगा। हालेलुया। रोका हुआ फल देगा। हालेलुया। लगा हुआ फल देगा। हालेलुया। चाहे जो भी हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाह रहा है। हालेलुया। तो कोई भी पीकर नशा करके, पुस्तक पकड़ के, बाइबल पकड़ के, पुस्तक पकड़ के वचन दे, वचन की घोषणा करे, शिक्षा दे, परमेश्वर नहीं चाहता है। चाहे पंच हो या प्रचारक हो या अपना कोई भी नबी हो, सांत लोग ऐसा नहीं करते हैं, नबी लोग ऐसा नहीं करते। परमेश्वर नहीं चाहता है। अगर चाहता तो बाइबल में लिखा हुआ नहीं रहता। हालेलुया।
हमें इनको हटाना होगा। हालेलुया। ताकत आपके अर्थ है कि हमारे जीवन से शराब निकलना होगा। अगर नहीं निकल रहे हैं तो आप अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, आप अच्छा फल नहीं दे रहे हैं कलीसिया को, समाज को, परिवार को। हालेलुया, हालेलुया। मात वाले के जीवन से कभी मधुर बात नहीं निकलेगी। मात वाले की जीवन आत्माएं जीवन नहीं निकलेगी। हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थ अध्याय 6:10 में हम पढ़ सकते हैं, शराबी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज की अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। अगर आपको अधिकारी बनना है और अधिकारी में जीना है तो चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाजी ईश्वर के राज की अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ऐसा हैं तो अच्छे फल नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमें धोखेबाज नहीं बनना है, मुझे चोर नहीं बनना है, मुझे लोभी नहीं बनना है, मुझे शराबी नहीं बनना है। मैं किसी का निंदा करने के लिए नहीं आया हूँ। ये सब कुछ मेरे मन और दिल से निकाल देना होगा, निकाल देना होगा, तब हम ईश्वर के बेटा और बेटियां बनेंगे। हालेलुया। अभी लिख दिया सर, अभी कभी ईश्वर के अधिकारी नहीं बनेंगे, ईश्वर के राज का, उससे कोई मधुर वाणी नहीं निकलेगा और ईश्वर की वाणी नहीं निकलेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थ अध्याय 6:13 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, ये दोनों का अंत हो जाएगा। लेकिन व्यभिचार, व्यभिचार शरीर के लिए नहीं है, शरीर प्रभु के लिए है। हालेलुया। यह शरीर किसके लिए है? किसने रोपा है? जोर से बोलिए, प्रभु ने रोपा है। कहाँ लगा दिया? दखबारी में। कौन सा दखबारी में? पृथ्वी के दखबारी में लगा दिया। हालेलुया, ताकि यहाँ रहकर किसका फल लाए? फल लाए। आप फल लाएंगे, सड़ा हुआ फल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे फल लाए। सकते हैं उसको जल्दी से, जल्द से मैं यहाँ आऊंगा फिर से। भोजन पेट के लिए है, हाँ, पेट भोजन के लिए, ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के लिए है। किसके लिए है हमारा शरीर? प्रभु के लिए। और शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। आपका शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। आपका शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। पड़ोसियों का शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। जो भी जाति का हो किसके लिए है? प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु शरीर के लिए, और प्रभु शरीर के लिए। जोर से बोलिए, शरीर के लिए। अब फिर आ जाए गलती में जल्दी से, 5:19 में, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजन, जादू टोना, भय, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, रंग रंगलिया और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। साफ साफ कह देता है ईश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। ईश्वर के राज के अधिकारी ऐसे नहीं बना मैं बचपन से। हालेलुया। नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। ईश्वर ने अधिकार देते हुए कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। एक साल तुम रानी चिरा बड़ा लाइन से बाहर मत जाना और रानी चिरा बड़ा लाइन वालों को बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाया गया है, बहुत सारी कृपाएं दिखाया गया है, बहुत सारे आशीष बढ़ते हुए देखा है, बहुत सारे शैतान को निकलते हुए देखा है, पागलों को निकलते हुए देखा है अपने आंखों से। जब ये ईश्वर ने मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। अभी आप लोग भी देख रहे हैं। हालेलुया। और जब ये सब होने हुए देख रहे हैं तो कौन आ गया है, किसका राज आ रहा है सामने? जोर से बोलिए। कहाँ आ रहा है? आप लोग के बीच में, आप लोग के अंदर, आपके अंदर। हालेलुया। 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 क्या करे, ये सब हम अच्छा पाल नहीं ला रहे हैं तो क्या करें। मैंने कहा कि पश्चाताप करना होगा और पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। हालेलुया। अब हम बदले हैं। हालेलुया। यह हमारा नहीं है। हालेलुया। इसी के कारण से जीवित रहेंगे ऐसा नहीं लगता है। हालेलुया। स्वभाव या आचरण बिल्कुल त्याग देना होगा। हालेलुया। अब हमारे पेड़ में क्या लग रहा है? हालेलुया। तो अच्छा फल कौन नहीं चाहता है? सबके चाहते हैं ना। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। तो मैं कहता हूँ मना करने वालों को मना करने दीजिए। हालेलुया। आपको खाना है या नहीं खाना है? कितने लोग खाना खाने के लिए रेडी है? इस फल को, इस पेड़ लग गया है पर खाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाएंगे कि यह फल लगा है या नहीं लगा? बताइए। लगा है। वो तो खुद फल नहीं दे रहा है और दूसरों को भी फल खाने से मना कर रहा है। हालेलुया। बोलिए उनको अपना बगीचा में फल लगा है। हालेलुया। हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। अरे वो भी उसी बगीचा का पेड़ है और मैं भी उसी बगीचा का पेड़ हूँ और आप भी उसी बगीचा का पेड़ है। क्या मतभेद होना चाहिए? तो किस ईश्वर ने मुझे लगाया? वो भी उसी पेड़ में से, उसी बगीचा में से है, मैं भी हूँ और आप भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। वही बात फल का। हालेलुया। हालेलुया भैया। हालेलुया। मैं भी उसी में से हूँ, इसलिए खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? चाहिए। बोलिए ना। मना करेंगे रहेंगे वहीं पर? डरपोक हैं आप लोग, खाना भी जाते हैं लुक लुक के आते हैं। और लुकने का दरकार है? उसी पेड़, उसी बगीचा का तो है। दूसरा बगीचा का है क्या आप जो लुकना पड़ेगा, आपको छिपना पड़ेगा? अरे देखते देखते आइए ना। हालेलुया। आपको खाना है तो आप ही चलिए। हालेलुया। आपको फल की जरूरत है बोल दीजिए। हालेलुया। और पेड़ है तो हमें फल दीजिए। हालेलुया। पत्ता केवल मार दीजिए, पत्ता से कुछ होने वाला नहीं है आजकल। पत्ता से कुछ होने वाला है? प्रभु भी नहीं चाहता है पत्ता। चलो पढ़िए, परमेश्वर भी क्या चाहता था? हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती का 21:18 में चले देखिए। अंजीर का पेड़ यीशु ख्रिस्त खाने आया। देखिए सवेरे सवार लौटते समय, हाँ वो टिकटन है, ध्यान दीजिएगा। सवेरे सवार यीशु लौट रहा था कहीं से सुसमाचार प्रचार करके, तो अंजीर के पेड़ के पास गया। चले
सवेरे सहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। भूख लगी, हालेलुया। अब नहीं समाते मदर मदर तेरेसा ने बोली कि यीशु भूखा है, यीशु प्यासा है, वो भात तरकारी से नहीं। हालेलुया। उन गरीबों को देखकर हालेलुया, उन लाचारी लोगों को देखकर हालेलुया, जिसके पास कुछ नहीं है हालेलुया, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हालेलुया, रहने के लिए घर नहीं हालेलुया, खाने के लिए भोजन नहीं है, यीशु कहता मैं प्यासा हूँ। क्या कहता है? मुझे पानी पिलाइए। एक गिलास पानी लेके मदर तेरेसा नहीं चले गए, ले पी लो। वो क्या किया? सेवा किया। हालेलुया। और सेवा करना ही प्यास बुझाना है। हालेलुया। यीशु का प्यास। हालेलुया। हालेलुया। अंगुली मत देना। हालेलुया। यीशु का अंतिम विदाई मत करना, समझ गए ना? अंतिम विदाई मत करना, खट्टी अंगुली का पिला के मीठा दीजिए। हालेलुया। समझ रहे ना? हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु फल खोजने आया, भूख लगा। आप समझ गए? अभी भूख लगा उसको। आप क्या खोज रहे? देखिए, वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उसके पास आए, उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया। आप पत्ता खाएंगे? नहीं। यहाँ पत्ता दे रहा हूँ, दबा के चले जाइए। यहाँ क्या लिखता है? पत्ते के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो दौड़ रहे इधर उधर। हालेलुया। पत्ता मिल रहा है कि फल मिल रहा है बताइए? कितनों को मिल रहा है? हाथ उठाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। अभी यीशु अभी फल खोजा। हालेलुया। भूख लगा। हालेलुया। क्या लगा? तो यीशु आपके पेड़ के पास आएगा और आपसे फल मांगेगा। मुझे भूख लगा है, क्या खिलाएंगे? फल दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु, आने साल फालूंगा, उसके बाद खिलाऊंगा। हालेलुया। यीशु नहीं मानेगा। यीशु ने कहा ये अंजीर का पेड़ छेक कर रखा है, जमीन को छेक कर रखा है, इसलिए हमेशा के लिए यह पेड़ सूख जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? और कभी फल? कभी फल? क्योंकि मुझे फल नहीं मिला। हालेलुया। इतने सालों से फल नहीं मिला। हालेलुया। कब से लगा हुआ है? हालेलुया। 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 आप ये समझ गए? हाँ, समझ रहे कि नहीं? इसने सुना था। हालेलुया। ऐसा ही सुन रहे हैं? हालेलुया। करिए नीचे, अरे बस नीचे करिए। कुछ नहीं पाया और कहा तुझ में फिर कभी फल ना लगे। तुझ में कभी फल? और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। हाँ, उसी समय क्या हो गया? सूख गया। इसलिए ठीक है बोलते है जेम्स नहीं रहे ने सब के सब जा पाए कोनो ना खे मांगने का। हालेलुया। सुख जाएंगे। थोड़ा सा भी भक्त है ना आप लोग, वो खत्म हो जाएगा। ये जो शुक्र गुजर करो कि मैं हूँ आप लोग के सामने। हालेलुया। मैं अधिकार के साथ कह रहा हूँ, इस सच है। हालेलुया। आप माने या ना माने। हालेलुया। 29 साल मैंने काम कर चुका हूँ। हालेलुया। और 29 सालों में इतने फल खिला दिया हूँ मैं। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे पेड़ में फल पा रहा है या नहीं बताइए। और वो फल है इसलिए तो आप खाने आते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे पेड़ में थोड़ा मोड़ा फल लग रहा है या बहुत ज्यादा लग रहा है? बहुत ज्यादा। तो से बोले हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। और जब से प्रभु यीशु को मैंने पाया, जब से मैंने प्रभु यीशु को पाया, प्रभु यीशु का प्रेम आप सबों को देना चाहता था और आज भी देता हूं और आगे भी देता रहता था। संसार का प्यार नहीं, संसार का माया नहीं, संसार का लोभ और लालच के कारण से नहीं, ईश्वर का प्रेम मुझे मिला तो मैं वही प्रेम आपको देना चाहता था और आज भी देना चाहता हूं और देता रहता था। वही है प्रेम। यीशु से बढ़कर और दूसरा प्रेम नहीं है जिसका अंत नहीं हो सकता और वही अंत नहीं होगा। इसलिए वही प्रेम देने के लिए मैं आया। संसार का प्रेम नहीं, संसार का प्रेम नहीं, यीशु का प्रेम। और सबों को मैंने प्रेम करना चाहा क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तो सबको प्यार करो, सबको प्रेम करो, सबके ऊपर दया करो, सबके ऊपर करुणा करो, सबके ऊपर तरस खाओ, सबके लिए आंसू बहाओ। देख रहे हो कि नहीं मेरे बच्चे कैसा हो रहे हैं? यह प्रेम मेरे अंदर पैदा होता है तब मैं भूखा प्यासा मेरी माँ को छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर निकल पड़ा और कहा प्रभु का प्रेम जाने। अब प्रभु अब बीमारी है तो प्रभु का प्रेम आपको चंगा करेगा और मैंने यीशु के नाम में चंगे दिया, यीशु के नाम में चंगे दिया। और यीशु का प्रेम उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसके शरीर में घर दिया। सबसे वो जान पाया कि ईश्वर प्यार करता है। और जिन्होंने नहीं प्यार पहचाना फिर से चंगे पाके उस प्रेम के पाके संसार में चला गया और संसार का प्यार के खातिर इस जन को तिरस्कृत करने लगा, फिर खाने लगा। गलत है ये। हालेलुया। और जब भी मैंने बीमारियों को देखा तरस आता है। आज दो घंटा या एक घंटा सो पाता हूं और उस बीमारियों के लिए तरस आता है, और गरीबों के लिए तरस आता है, और लोगों के लिए तरस आता है जिन्होंने डॉक्टर दिखाया, जिसने इलाज किया, जिनको संतान नहीं मिला, उनके लिए मैं तरस खाता हूं। और घुटनी टेक टेक के प्रार्थना करता हूं, अर्जी कर करके प्रार्थना करता हूं, तब उन्हें संतान प्राप्त होता है। जब संतान प्राप्त होता है तो जेम्स नहीं दिखता है, और जेम्स नहीं दिखता है तो प्रभु आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि प्रभु का भक्त को जिसे स्वागत किया है उसने प्रभु को स्वागत किया है। पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लीजिए भाई विल्सन मत्ती का सुसमाचार। और जितने ने आपने स्वागत किया उन्होंने मुझसे पीछे नहीं गया, मुझसे नहीं छोड़ा। जितने ने मेरे प्रेम को जाना, ईश्वर का प्रेम के जाना, वो मेरे पीछे होना बंद नहीं किया, मेरे पीछे चलता रहा। हालेलुया हालेलुया। और उन्हें मेरा बलिदान मिलता रहा। हालेलुया हालेलुया। शिखर सुनता रहा। हालेलुया हालेलुया। सुनता रहा। हालेलुया हालेलुया। किसको पापी करने मिला है? ये कहावत है आप लोग का, किसको पापी करने मिला है? आगे कौन मिसा बलिदान भाग लिया फर्स्ट से? ये सब है लेकिन आपको बहकाया जा रहा है।
आप जाग जाइए और सच्चाई को जानिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सच्चाई आज अधिकार के साथ कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने ठोकर खा खा के भी घर घर बगान बगान पैदल 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रात में हाथी है, बाघ है, भल्लू है, दुश्मन है, पर भी मैंने पैदल चला है। यहाँ शैली बगान तो कितना पैदल हाथियों के बीच से मैं गुजरा। मैं गाड़ी लेकर नहीं गया, मोटरसाइकिल से नहीं गया, पैदल गया। और नारी चिरा का विश्वासियों को और शैली बगान के विश्वासियों को विश्वास दिला दिया कि ईश्वर है तो कोई हाथी आपको कुछ नहीं करेगा। और मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही होगा। देखे हाथी आके मैदान में खड़े हो जाएंगे, आपका घर नहीं तोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ था। उतने सारे हाथी, तो ये प्रेम है मेरे बेटा बेटिया माता पिता। मैं तरस आ रहा था और आज भी तरस आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। सबके देते हुए समझा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम कभी भी अंत नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरी है फल। हालेलुया, हालेलुया। बगान का केवल सभी बगान हमारे पल्ली के सभी विश्वासों के ऊपर तरस आया मुझे। हालेलुया, माया आया मुझे। हालेलुया, और बहुतों को बदल दिया। हालेलुया, बहुतों ने चेंज हो गया। हालेलुया, जो कीचड़ में पड़ा हुआ था। हालेलुया, आशा कर रहा था। हालेलुया, पूछने वाला नहीं था। हालेलुया, प्रभु ने पूछा। हालेलुया, नाम लेकर पुकारा। हालेलुया, तो पी कर आयो। हालेलुया, आयो। हालेलुया, तुम्हें कह रहा हूँ उठो। हालेलुया है। हालेलुया, मत करना। मां कहा और ऐसा नहीं करने लगे तो लोग आज प्रचार प्रचार कर रहे हैं। ये प्रभु का कृपाएं थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये जो ईश्वर का भक्त को स्वागत करता है वो ईश्वर को स्वागत करता है। संत मत्ती अध्याय 10 वाक्य 40, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। स्वागत किया आपने? जोर से बोलिए ना। प्रभु का किसको स्वागत करेंगे आप? ये कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? आप। जोर से बोलिए ना। तो मुझको स्वागत करेंगे, किसको स्वागत करेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या कह रहा है बाइबल? उन दिनों में भी उस समय के बात मत सोचिए। अभी भी आप लोगों के पास ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मुझे स्वागत करेंगे तो किसको स्वागत करेंगे? गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? प्रभु कहता है कि तुम्हें जो स्वागत करेंगे जेम्स, वो मुझे स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें तिरस्कृत करेंगे तो मुझे तिरस्कृत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें आदर करेंगे तो मुझे आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें इज्जत करेंगे तो मुझे आदर इज्जत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर विश्वास करेंगे तो मुझे भी विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप बता देंगे कि कैसा विश्वास करना चाहिए। तो ये बात वहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। आज जो मेरा स्वागत करता है, आज जो मेरा स्वागत करता है, उसका स्वागत करता है, उसका स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, मुझे स्वागत करते हैं तो उनको पिता का भी स्वागत करते हैं और मुझे भी स्वागत करते हैं। और यीशु कहता है अपने शिष्यों को कि तुम्हें जो स्वागत करता है वो मुझे स्वागत करता है, और मुझे स्वागत करता है वो तुम्हें भी स्वागत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए स्वागत नहीं करते होंगे, मैं इसलिए खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आज चौंगा नहीं लगा रहा हूँ।
दाढ़ी नहीं बढ़ा रहा हूँ, चूल बड़ा बड़ा नहीं किया हूँ, इसलिए ईश्वरी भक्त नहीं दिख रहा होगा। इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा देता तो सुपट ईश्वरी भक्त लगता, और इतना बड़ा बड़ा चूल बढ़ा देता तो सुपट जीशु जैसा लगता। हालेलुया, तब आपको लगता है कि यीशु है। हालेलुया, यीशु का भक्त है। हालेलुया, तो छोटा छोटा दाढ़ी भी नहीं है, उसके बाद चूल छोटा छोटा बनाता है, जैसा तैसा हाफ पेंट में रहता है, वो ईश्वरी भक्त होगा ऐसा? हालेलुया, माने गोरगोरा। हालेलुया, आप ही लोग गोरगोरा बना तो आप लोग और गोरगोरा बना देते हैं और पहचान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझे बार बार आपको पहचान कराना चाहा, क्या कहने चाहा? क्या दिखा के? चमत्कार दिखा के मेरे द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को अनुभव कर रहे हैं, अच्छा परिवर्तन है, आप उठाएंगे ताली बजा देंगे।